दुरूद पाक कब कब कहां कहां और कैसे कैसे काम आता है। एक बहुत ही खूबसूरत वाकया, बड़ा ईमान अफरोज़ वाकया है जो मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक दोस्त ने अपने एक दूसरे दोस्त को कर्ज दिया और जब उसने कर्ज दिया तो वो कर्ज एक बड़ी अमाउंट थी, 3,000 दीनार। वो टाइम आ गया जब उस टाइम वो कर्ज लेने के लिए अपने दोस्त के पास गया कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस दो, तो उसने कहा कि पैसे तो नहीं है मेरे पास, मैं कोलैप्स हो गया हूँ, बिजनेस अब मेरा ख़त्म हो गया है, मैं तुम्हारी रकम नहीं दे सकता। उसने एक और टाइम दे दिया उसे कि ठीक है अब इतने वक्त दिनों के बाद में दे दूंगा। वो टाइम भी गुजर गया और जब वो टाइम भी गुजर गया तो उसके बाद उस दोस्त ने कहा कि अब तो पैसे दे दो भाई, मेरा टाइम पूरा हो गया है। फिर ना दे सका टाइम, आखिरकार मामला जो है वो कोर्ट में चला गया, काजी के पास चला गया। अब काजी ने जिसको पैसे देने थे उसको बुलाया और कहा कि भाई आपको इसके पैसे देने हैं। कहता है हाँ पैसे तो देने हैं। तो कहा फिर देते क्यों नहीं हो? कहा पैसे हैं ही नहीं, कारोबार ही खत्म हो गया है, कर्जा तो लिया था, अब मेरे पास बचा ही कुछ नहीं है। तो कहा अच्छा अब ये बताओ कि कब दोगे, कैसे दोगे? उसने कहा बस मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो कहा अब तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, 30 डेज में या तो इसके पैसे लौटा दो या 30 दिन के बाद तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। ये शख्स अब घर आया, पैसे तो थे नहीं मगर शायद उलमा ने लिखा किताबों में, ये वाकया कई बड़ी बड़ी किताबों में लिखा और दुरूद पाक के फजाइल की बड़ी बड़ी किताबों में लिखा। और उस शख्स ने सोचा कि उसने एक हदीस पाक पढ़ी हुई थी कि जिसमें ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जिसका मजमून है कि जो शख्स परेशान हो, मुसीबत ज़दा हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि दुरूद पढ़ना मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है। अब उस आशिक के रसूल ने सोचा और तो कुछ है नहीं, अब मैं दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता हूं। सुबह से लेकर शाम तक वो दुरूद पाक पढ़ने लग गया। 27 दिन गुजर गए, ओनली 3 डेज लेफ्ट, 3 दिन बाकी थे काजी के पास जाने में। 27 दिन गुजर गए दुरूद पढ़ते पढ़ते। जब 28वीं रात आई तो आंखें तो बंद हुई मगर ख्वाब में उसे एक आवाज आई, घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्जा अदा कर दिया जाएगा, तुम्हारा मसला सॉल्व हो जाएगा। सुबह उठता है, दुरूद पाक पढ़ रहा है मगर कहता है ये आवाज से तो मसला हल नहीं होगा, पैगाम क्या है उसे समझ ना आया। 28वां दिन गुजर गया, 29वीं रात आ गई मगर अब आंखें बंद हुई और किस्मत जाग उठी। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। अब ये आशिक रसूल सुबह उठा तो वेरी फ्रेश, हशाश बशाश के अब तो काम हो गया, नबी पाक ने ख्वाब में आकर बशारत दी है। मगर फिर जहन में सवाल आया कि अली बिन ईसा के पास जाऊंगा तो सबूत क्या है, प्रूफ क्या होगा? मैं जाकर उसको कहूंगा कि मेरा कर्जा दे दो तो ऐसे तो कर्जा नहीं दे देना, और मैंने उसको कहा कि मुझे नबी पाक ने ख्वाब में कहा है और उसने अगर मुझसे कोई निशानी मांगी तो मैं निशानी क्या दूंगा। आखिरी दिन था, 29वां दिन था, वो भी दुरूद पढ़ते पढ़ते गुजर गया। 30th नाइट आ गई, सुबह वो दिन है जब अदालत में जाना है। अब इस रात फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। कहा हुजूर चला तो जाऊंगा लेकिन अगर वजीर ने मुझसे कोई निशानी तलब की तो मैं क्या जवाब दूंगा? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कमाल का इरशाद फरमाया कि अली बिन ईसा से कहना कि तुम रोजाना फजर की नमाज के बाद 5,000 बार दुरूद पाक पढ़ते हो, ये राज फकत तुम जानते हो और तुम्हारा रब जानता है। अब ये जब सुबह उठा तो एक निशानी भी मिल चुकी थी। अदालत में जाने से पहले वजीर के दरबार में पहुंच गया, उसे ये डर था कि आज पैसे ना लौटाए तो सजा हो सकती है। जब वजीर के दरबार में पहुंचा तो वजीर अपने मुशीरों के साथ बैठा था। कहा मुझे आपसे बात करनी है। कहा बताओ क्या बात करनी है? कहा मैं एक पैगाम लाया हूं आपके लिए। अच्छा किसका पैगाम लाए हो? कहा मैं नबी पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम लाया हूं। वो आशिक रसूल वजीर था, कहता बताओ मेरे आका ने क्या पैगाम दिया है?
कहा हुजूर मैं 3,000 दीनार का मकरूज हूं, आज आखिरी दिन है और मेरे आका ने मुझे बशारत दी है कि आपसे कहूं कि आप मेरा कर्ज अदा कर दीजिए। अली बिन ईसा कहता है कोई सबूत है आपके पास, है कोई दलील भी है आपके पास, मैं कैसे मान लूं कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है। आशिक रसूल कहता है खाली हाथ नहीं आया, मेरे आका ने मुझे दलील भी अता फरमाई है, मुझे एक एविडेंस भी दिया है और प्रूफ यह है हुजूर कि आप रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। जब तक 5,000 का अदद पूरा नहीं होता आप उस वक्त तक किसी और से बात नहीं करते। और ए वजीर साहब ये रात सिर्फ आपको पता है और आपका रब जानता है। अल्लाह अकबर। वो वजीर तो जिसको कहे ना झूम उठा, ऐसा आशिक रसूल वजीर था जो रोजाना सुबह 5,000 दुरूद पढ़ता हो, उसकी तो ईद हो गई ना। वो कहता है मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने मेरे दुरूद कबूल कर लिए, इससे बढ़कर मेरे लिए सआदत क्या होगी। अब ये वजीर अपने सीट से उठता है, अपने कमरे में जाता है, थोड़ी देर बाद वापस आकर उस आशिक रसूल के हाथ में 3,000 दीनार रखकर कहता है हुजूर पहले 3,000 दीनार तो नबी पाक का हुक्म की मैं अदब से बजा लाता हूं, मेरे आका ने जो हुक्म फरमाया ये 3,000 दीनार आपको पेश करता हूं। हुजूर एक और 3,000 दीनार लीजिए, मेरे घर आप आए, इतनी अच्छी खबर सुनाई, आपने कदम रंजा फरमाया, ये 3,000 उसका नजराना है। और ऐसा कीजिए 3,000 और लीजिए, इससे अपने बच्चों के लिए कुछ छोटा मोटा काम शुरू कीजिए और एक वादा करके जाइए आज के बाद जिंदगी में आपको जब भी कोई काम पड़े मैं आपका भाई हूं, मुझे ये खिदमत का मौका दीजिएगा। अल्लाह अकबर। वो मकरूज जो एक रात पहले 3,000 दीनार का मकरूज था, हो सकता है उसके बैक ऑफ माइंड ये भी चल रहा हो कि अब शायद कल मैंने जेल में जाकर अदालत में जाकर गिरफ्तारी देकर जेल में जाना है, मगर अब 9,000 दीनार हाथ में है। आशिक रसूल झूमता हुआ नबी पाक की याद में घूमता हुआ अब अदालत में पहुंचा। अदालत में एवरीबॉडी एक्सपेक्टिंग ओवर देयर कि आज इसने आना है और आकर कहना यही है कि पैसे तो नहीं है गिरफ्तार कर लो, मगर जाकर इस आशिक रसूल ने 3,000 दीनार जज साहब के हाथ में रख दिए। काजी कहता है पहले तो यह बताओ पैसे आए किधर से, तुम तो कहते थे गरीब हो, तुम तो कहते थे कारोबार नहीं है, एक महीने में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे हो गया। सुभान अल्लाह। उस आशिक रसूल ने गोया जबाने हाल से यह कहा होगा कि यह तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। उसने वो पूरा वाकया भरी अदालत में सुना दिया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों जरा सोचो पहले जमाने में कैसे आशिकान रसूल हुआ करते थे, वो जज वो काजी भी कैसा सरकार अली सलातो व सलाम का आशिक था। अपने अपनी सीट से उठता है, भरे दरबार में भरी अदालत में वो अपने चैंबर में अपने कमरे में जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर उसके हाथ में भी 3,000 दीनार हैं और वो 3,000 दीनार जो है वो उस आशिक रसूल के हाथ में रखता है कि सारा सवाब अली बिन ईसा कैसे ले जाए, मैं भी तो नबी पाक का गुलाम हूं, मैं तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। अच्छा अब एक और अजीब सिनेरियो ये बन गया कि जिसने केस किया था जिसने दावा किया था वो भी ये सारा मंजर देख रहा था, कहता है जज साहब जरा रुकिए मैं भी अपने आका का उम्मती हूं और एक काम कीजिए कलम कागज मंगवाइए, इस आशिक रसूल का कर्जा ही मैं माफ कर देता हूं। अच्छा अब आशिक रसूल ने वो वापस 3,000 दीनार जो जज साहब ने दिए थे वो वापस जज साहब को दिए कि हुजूर ये पैसे आप ही रख लें, कर्जा ही माफ हो गया, अब आपके पैसे का मैंने क्या करना है। जज साहब कहते हैं जो पैसे नबी पाक के नाम पर निकाले हैं अब मुझे वापस नहीं चाहिए, ये भी तुम अपने साथ ले जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों वो आशिक रसूल एक रात पहले 3,000 दीनार का मकरूज है अब 12,000 दीनार लेकर घर को वापस जा रहा है। इस एक वाक्य के अंदर जो हम सब के लिए दर्स है जो हम सब के लिए पैगाम है, शायर लिखते हैं ना दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो,
दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं, यहां भी हो सकता है मेरा कोई भाई बीमार बैठा हो, कोई कर्जे में डूब गया हो, किसी का कोई बिजनेस प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई फैमिली इशू में डिस्टर्ब हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, खुदा की कसम दुरूद पाक ऐसा वजीफा है। लोग बहुत सारे वजाइफ पूछते रहते हैं, बहुत सारे जनाब वजाइफ के बारे में मालूमात करते रहते हैं। सच्ची बात यह है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। तो खुदारा अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लीजिए, और आप बिलीव करें जब आपने कसरत से दुरूद पाक पढ़ने शुरू कर दिए, आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो रही है, आपके कर्जे उतरने शुरू हो गए हैं, रोजगार में आपके बरकत होना शुरू हो जाएगी, आपके चेहरे पर नूर आना शुरू हो जाएगा, आपकी जबान में असर आना शुरू हो जाएगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।